मुरादाबाद के रामगंगा विहार फेज टू में विगत 20 दिन से खुदाई का कार्य चल रहा है। खुदाई के चलते यहां पर जल निगम द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन टूट गई है। 20 दिन से टूटी पड़ी इस पाइपलाइन से पानी की लगातार बर्बादी हो रही है और क्षेत्रवासियों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं जब क्षेत्रवासियों द्वारा संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को जानकारी दी गई, बावजूद जल निगम द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह से ही बड़ी मात्रा में पीने का जल बर्बाद हो रहा है और सरकार की जल बचाव योजना को भी ताक पर रखा जा रहा है। वही मामले को लेकर क्षेत्रीय निवासी करुणेश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। सीवर लाइन फटी हुई है, खुदाई का काम चल रहा है और इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा। पानी बह रहा है, 15-20 दिन से पानी घरों में नहीं आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। समाधान होना चाहिए इसका और बहुत ही गलत कार्य हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा। वही अब देखना लाजमी होगा कि कब तक टूटी हुई पाइपलाइन ठीक हो पाती है या नहीं।